यस एक बहुत अच्छा मैंने कहावत कुछ दिन पहले इसी सेशन में सुना, व्हेन वी ऐड जी इन द रेस इट बिकम्स ग्रेस। और आज गुरु कृपा की बात होगी, प्लैनेट्स की बात होगी और एक अद्भुत सेशन आज का होने वाला है। मैं सभी को एक बार म्यूट कर देता हूँ, बहुत जन अनम्यूट हो गए। और आज हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं। एंड संजीव भैया, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन है इसका पीछे एक पर्पस है जो हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं। इसका पर्पस यही है कि जो भी ये सेशन देखे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उसका जीवन एक उत्सव बन जाए और वो औरों के भी जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। यही गुरुदेव का विजन है, गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बना लिया है और इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड संजीव भैया, ये जो सेशन है बहुत इनफॉर्मल, एकदम ऐसा लगता है कि घर के ही लोग आपस में बैठे हैं और हम लोग ये सेशन किए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो संजीव भैया के बारे में बताओ तो ही इज एन इंटरनेशनली रिनाउंड नाड़ी एंड वैदिक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हु हैज मास्टर्स नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड कंसल्टिंग इन ओवर 55+ कंट्रीज। ही हैज बीन डूइंग एक्यूरेट प्रेडिक्शन सिंस लास्ट 26+ ईयर्स। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रो कंसल्टेंट ट्रस्टेड बाई पीपल फॉर परफेक्ट प्रेडिक्शंस अक्रॉस द ग्लोब। ही इज वेरियस परफेक्ट एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शंस इंक्लूड्स रशिया यूक्रेन वॉर, यूपी इलेक्शंस, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राम मंदिर, लोकसभा, दिल्ली इलेक्शंस, यूपी, यूके पीएम बोरिस जॉनसन, वर्ल्ड कप, आईपीएल मैचेस, बालाकोट स्ट्राइक एंड मेनी मोर। हिज ट्वीट प्रेडिक्शंस ऑन संजीव डैश एस्ट्रो, हिज ट्विटर हैंडल इज ऑल्सो संजीव डैश एस्ट्रो। ही हैज रिसीव्ड अवार्ड अवार्ड एंड टाइटल ऑफ लिविंग लेजेंड इन डिवाइन साइंसेस फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी। ही यूजेज हिज एंशियंट नाड़ी सूत्रास फॉर परफेक्शन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिज प्रेडिक्शंस। हिज प्रेडिक्शन एक्यूरेसी इज 90-95% एंड अबव। ही ऑल्सो स्पेशलाइजेज इन वास्तु न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, मंत्रास, जेम स्टोन्स, होम्योपैथिक एंड सजेस्ट रेमेडीज विच आर इजी एंड हाईली इफेक्टिव। ही हैज टॉट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी टू ओवर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एनेबल्ड देम टू बिकम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स गाइड। ही ऑल्सो टीचेस मेडिटेशन एंड आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम। ही इज ऑल्सो आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम टीचर एंड अ पैनल एस्ट्रोलॉजर विथ वैदिक धर्म संस्थान। ही बिलोंग्स टू एन एस्ट्रोलॉजर्स फैमिली एंड हैज स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी एट द टेंडर एज ऑफ 9 ईयर्स फ्रॉम हिज फादर हु वॉज अ रेनाउंड डॉक्टर एंड एस्ट्रोलॉजर। ही बिलीव्स विद द ग्रेस ऑफ गुरु डिवोशन एस्ट्रोलॉजी प्रेयर्स एंड राइटफुल कर्मास वन कैन बी प्रोटेक्टेड एंड चेंज मैनी थिंग्स पॉजिटिवली टू अ ग्रेट एक्सटेंट। By following his suggested remedies, one can live a happy and prosperous life and overcome negative energy obstacles, different phases and negative karmas. He has started his career as a software engineer, later as a management professional, worked with top MNCs at key position. He holds MBA from New Delhi and today he is here with us. एंड संजीव भैया के बारे में बताओ तो बहुत सारे बड़े बड़े जो आज हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं उन सब के भी एस्ट्रोलॉजी उन्होंने एकदम आमने सामने बैठ के देखा है। यूपी के सीएम से अवार्ड अभी रिसीव किया है एंड बड़े बड़े प्रेडिक्शंस किए हैं एंड इंटरनेशनली इनको देखा जाता है फॉर हिज मूवमेंट्स। सो टुडे ही इज हियर विद अस। संजीव भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्वा टॉक्स में। संजीव भैया, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि गुरु कृपा
और हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप गुरु कृपा को कैसे देखते हैं इन द पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी? यस थैंक यू अभिषेक रंजन जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो सत्वा टॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर योर टीम इनिशिएटिव. और बिफोर आई स्टार्ट माई टॉक एंड आंसर योर क्वेश्चन, आई बो डाउन टू द लोटस फीस्ट ऑफ माई मास्टर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. तो रंजन जी, एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए अगर, राइट, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, राइट, एस्ट्रोलॉजी क्या है? तो जैसा गुरुदेव बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज ए जीपीएस, राइट, जीपीएस ऑफ योर लाइफ. जैसे हम इस स्थान से उस स्थान तक जाते हैं तो हम गूगल यूज करते हैं, गूगल मैप्स यूज करते हैं, राइट. ऐसे ही लाइफ की जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ऐसा कोई टूल मिल जाए जिसपे हमें एक डायरेक्शन मिल जाए, यू नो, हाई लेवल क्लोज लेवल एक डायरेक्शन मिल जाए फॉर द वेरियस इवेंट्स ऑफ द लाइफ. तो लाइफ को सवारना सजाना जिसे कहते हैं ना, बहुत आसान हो जाता है. उसमें ग्रोथ, उसमें बेटरमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट्स बहुत आसान हो जाती है. तो एस्ट्रोलॉजी इन नटशेल इज ए जीपीएस ऑफ लाइफ, इसे दैट. और जहां तक बात है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति आपने यही पूछा, राइट, गुरु भक्ति, गुरु कृपा, यस, गुरु कृपा, गुरु कृपा. देखिए गुरु कृपा से ही गुरु भक्ति. देखिए गुरु कृपा पाने के क्या रास्ते हैं पहले तो यही जानना जरूरी है. गुरु कृपा कैसे मिलती है? बहुत आई थिंक हमारे सारे टीचर्स होंगे या वॉलंटियर्स होंगे सब जानना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट द टॉपिक ऑफ आर गुरु कृपा एंड प्लैनेट्स. तो गुरु कृपा के ना दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं है, दो ही रास्ते, पूरे यूनिवर्स में दो ही रास्ते हैं. क्या वो रास्ते हैं जानना चाहेंगे? एवरीबॉडी अपना कैमरा ऑन कर ले तो और अच्छा रहेगा, है? सब कैमरा ऑन कर ले तो मैं भी देख पाऊंगा आप लोगों को. तो क्या है गुरु कृपा के दो ही रास्ते? एक है गुरु दर्शन. गुरु का दर्शन जो है ना, जितना हो सके उतना करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके. एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा यहाँ पर गुरु दर्शन का. बचपन से क्योंकि गुरु से सानिध्य रहा, गुरु का सानिध्य रहा, गुरु से जुड़ा रहा, एनलाइटन्ड मास्टर से जुड़ा रहा मैं बचपन से ही, बिकॉज मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मेरे पिताजी भी गुरु से जुड़े हुए थे, तो बचपन से ही वो माहौल था घर पे कि गुरु की कृपा पाने के, जो मुझे समझ में आया इतने सालों में, दो ही रास्ते, एक तो दर्शन. तो दर्शन पे एक छोटी सी स्टोरी है. एक सज्जन गए किसी सत्संगी के पास, गए तो बोले जी ये तकलीफ है वो तकलीफ है. तो उन्होंने, मेरे जैसे कोई होंगे या कोई बोले होंगे, उन्होंने बोला कि भाई गुरु का दर्शन रोज क्या करो, गुरु दर्शन से कर्म कटते हैं, ठीक है, कर्म जो है आपके गुरु दर्शन से कटते हैं. और दुनिया में कोई चीज नहीं है, आपको बताऊं, कर्म काटने के लिए ना बहुत ही दो चार चीजें, एक दो ही चीजें हैं. अदरवाइज कर्म तो भगवान को भी आते हैं ना अवतार लेके, तो उनको भी जाना पड़ता है कर्मों के साइकिल से. कर्म की गति बड़ी न्यारी, ठीक है.
पर उस पर भी गुरु कृपा पड़े भारी, कर्म की गति अति न्यारी पर उस पे भी गुरु कृपा पड़े भारी। तो कर्म की गति को समझना ना बहुत मुश्किल है। आपको बताएं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द देवी देवताज गॉड्स, ब्रह्मा जी को भी कर्म की गति का नहीं ज्ञान है, जबकि उन्होंने लिखे हैं सारे कर्म, उनको तो डाउनलोड हुए और उन्होंने सब लिख दिए। तो कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत महीन है। मन का कर्म, तन का कर्म, बहुत तरह के कर्म है, पर हम कर्म में नहीं जाएंगे अभी, वो कभी और टाइम में। हम स्टोरी सुन रहे थे कि उन्होंने बोला कि बहुत कष्ट है, उन्होंने बोला ये तो कर्म की वजह से है, आप जो है गुरु दर्शन किया करो रोज। तो गुरु दर्शन, बोले हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है, गुरु का दर्शन करने से कर्म कटता है। हम लोग सब अनुभव किया होगा, जब गुरु का दर्शन करते हैं आते तो कितना लाइट फील करते हैं, कितना हल्का फील करते हैं, कितनी खुशी होती है। होती नहीं होती सबको? हाँ सबको होती है। इतना लगता है जैसे कुछ कुछ कट गया, कुछ घट गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ नेगेटिव फिनिश हो गया, इतने लाइट फील। ये दिस इज अ क्वालिटी ऑफ एनलाइटन मास्टर, और किसी पास नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दर्शन से कर्म काटते हैं, उन्होंने बोला तो भाई दर्शन क्या करो, अपने कर्म काट लिया करो तो हल रहेगा, ये तकलीफ दुख तकलीफें भी कम होंगी। तो उन्होंने बोला दर्शन जो है कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब कब करना चाहिए। बोले भाई गुरु जब भी दर्शन करे, हो सके तो रोज करना चाहिए। बोले हाँ जी हो सके तो ठीक है, बहुत बढ़िया, पर मैं तो बैंगलोर में रहता नहीं, उन्होंने बोला, या जहां पर भी थे उन्होंने बोला भाई मैं तो यहाँ रहता नहीं, तो जो है रोज तो मुश्किल है। तो उन्होंने बोला आप हफ्ते में कर लो, कोई बात नहीं, रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में कर लो, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ सिटी में, बैंगलोर थोड़ा दूर रहता हूँ। बोले ठीक है। बोला अगर हफ्ते में ना हो पाए, कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, कई बार जाना पड़ता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आप महीने में कर लो, एक काम करो, हफ्ते में नहीं हो सकता, महीने में कर लो। बोले हाँ हाँ महीने में तो पॉसिबिलिटी है, दर्शन कर लेंगे तो कर्म भी कट जाएंगे, दुख तकलीफें भी कम हो जाएंगे। फिर बोले कई बार ना कुछ होता है कि यू नो कुछ ज्यादा लंबा ट्रैवल हो जाता है, तो अगर महीने में ना हो एक बार तो क्या करना चाहिए। बोला महीने में ना हो तो 3 महीने में कर लो। ठीक है, बोला महीने में ना हो तो 3 महीने में कर लो। बोले हाँ 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 3 महीने में तो मौका लगेगा ही, 3 महीने में तो कर ही लेंगे दर्शन। ठीक है, बोले हाँ अपने आप को कन्विंस कर ले। फिर थोड़े बाद आदमी का नेचर है, संशय तो आता ही है, पूछता अगर 3 महीने में ना हो पाए तो क्या करें, 3 महीने में भी ना हो पाए तो क्या करें। बोला 3 महीने में ना हो पाए तो 6 महीने में कर लो भाई, कोई बात नहीं, तुम इतने बिजी हो। बोला घर परिवार है, सब संभालना पड़ता है, 2 बच्चे हैं, सब देखना पड़ता है, कभी ससुराल जाना पड़ता है, ये है वो है, छुट्टी नहीं मिल पाती। तो बोले 6 महीने पे कर लो, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला भाई नहीं मिल पाता है तो हम 6 महीने में, ठीक। बोले हाँ 6 महीने में कर लो, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। बोले हाँ 6 महीने में तो कर सकते हैं, उनको जच गया जी 6 महीने में तो कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, एक चांस कर लो 1% की, अगर जो है 2% समझ लो हमने 6 महीने में ही नहीं कर पाए दर्शन तो क्या करें। तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छा सोचे। बोले अच्छा 6 महीने में ना, बोले साल भर में कर लो, कोई बात नहीं, साल भर में तो मौका मिलेगा, एक दिन तो मिलेगा गुरु के पास जाने को, राइट। बोले हाँ साल भर में तो पक्का 100% है, ठीक है साल भर में तो 100% है, हम जो है दर्शन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर 5 मिनट सोच के बोलते हाँ साल भर में तो हो जाएगा, प्लान बनाने लगे। बोले हाँ इस साल में ऐसे आ जाऊंगा, इस साल में इस टाइम पे आ जाऊंगा, पर हाँ उस साल में, अच्छा अगले साल में, इस साल में ऐसा होता है। फिर बोले अच्छा एक चीज बता दीजिए, अगर साल भर में, वैसे तो होगा नहीं पर साल भर में भी अगर दर्शन ना हो पाए तो क्या हो। तो सत्संगी महाराज मालूम क्या बोले, बोले चुल्ली भर पानी में डूब मरो, ठीक है। क्या अब तुम साल भर में गुरु का दर्शन नहीं कर पाए, जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है तो उसमें हमें दर्शन करना चाहिए। पर हमारे गुरु इतने दयालु है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत दयालु। देखिए आपको एक सीक्रेट बताना जा रहा हूँ इस टॉक में, उनके जैसा, हमारे गुरुदेव जैसा ना पिछले कई हजारों सालों में कोई आया है, ना आने कई हजारों सालों में आएगा। ये आपको मैं लिख के दे देता हूँ, ये आगे का लिटरेचर कहेगा, उनके जैसा कोई आया ही नहीं है अभी पृथ्वी पे। आप ये समझ लीजिए, हमारे संत बहुत लोग आए हैं, बहुत गुरु लाए हैं, पर उनके जैसा आया ही नहीं है।
वो क्या है, उनकी क्या माया है, क्या रचना है, ये आप 24 घंटे साथ रहिएगा ना तब भी नहीं जान पाइएगा। 24 घंटे साथ रहने वाले भी नहीं जान पाते, इतने बियॉन्ड हैं। आप ये समझ लीजिए, ये हजारों सालों बाद आए हैं, और अभी गए तो हजारों सालों बाद पता नहीं कब मुलाकात हो कब हो, तो जो भी है ना अभी प्रेजेंट टाइम का फायदा उठा लीजिए। दर्शन हमेशा करिए जब मौका मिले। और गुरु तो इतने दयालु हैं, बोलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दर्शन करो, दोनों में सबने अनुभव किया होगा, इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। ऑनलाइन जब आप दर्शन करते हैं, लाइव गुरुदेव आते हैं, तब भी वही फीलिंग आती है, वही हल्कापन लगता है, लगता नहीं लगता बताओ? मेरे को तो लगता है जी। देखो कितने सारे हारते हैं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सबका अनुभव देखा है, बहुत लोग का। तो वही 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 सुकून मिलता है, वही प्रेम मिलता है, वही वही हिलोरे आती हैं हृदय में। तो आप ये समझिए कि ऑनलाइन दर्शन और ऑफलाइन दर्शन दोनों दर्शन है, दोनों से कर्म कटते हैं। तो दर्शन मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पे। गुरुदेव आए हैं अगली बगल की सिटी में, अच्छा हमारी सिटी में आएंगे ना तब जाएंगे उनके पास दर्शन करने, अच्छा हमारे घर के बगल में आएंगे तब आएंगे दर्शन, इसमें मत पड़िए। जहां मौका मिले चले जाइए दर्शन करने, उसको उनको दर्शन को छोड़ना नहीं है। और अभी तो देखो यूएस में है, यूएस वाले सब फायदा ले रहे हैं दर्शन का, अभी आएंगे मालिक जो है, मैं मालिक बोलता हूँ प्रेम से उनको, तो मालिक आएंगे 3-4 तारीख को बैंगलोर आएंगे। दर्शन जरूर करिए, मिस मत करिए। कुछ दिन के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आए, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। तो जब मौका मिले ना तब दर्शन कर लेना चाहिए। तो दर्शन से कर्म कटता है, कृपा बरसती है, ग्रेस, गुरु कृपा कहो, गुरु ग्रेस कहो, किससे होती है? पहला चीज है दर्शन से। अगस्त में आ रहे हैं, अभी 3 अगस्त 4 अगस्त को आ रहे हैं, फिर 15-16 अगस्त तक रहेंगे, 15 अगस्त तक फिर चले जाएंगे, वो तो सब ट्वीट में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। तो दर्शन से कर्म कटता है, दर्शन से ग्रेस मिलता है, ग्रेस से कर्म कटता है। तो दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप सब लोग? दर्शन इज वेरी, इसको ऐसा मत लीजिए। और स्पेशली जब गुरु दर्शन दे रहे हो, धक्का मुक्का मार के नहीं जाना, जब वो दर्शन दे रहे हो तब। और देखिए दूसरा सूत्र जानना चाहेंगे, दूसरा सब जानना चाहेंगे। भाई वीडियो तो ऑन करो, शक्ल तो नहीं दिख रही, मैं देखूं सबकी शक्ल है, कुछ कुछ की दिख रही है, कुछ की नहीं दिख रही, 30 लोग हैं। हाँ दिखाइए अपनी शक्ल, तब तो समझ में आएगा। देखिए दूसरा सूत्र है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति क्या है? अब हम जाए गुरुदेव की पूजा करें वो गुरु भक्ति है, या आरती लिए आगे करें वो गुरु भक्ति नहीं, वो गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति का बॉटम लाइन बताऊं, गुरु भक्ति है गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो भी उन्होंने बोला। आपके मन लायक हो तो ठीक है, मन लायक ना हो तो ठीक है, तो और अच्छा है। मन लायक है तो अच्छा है, मन लायक ना हो तो और अच्छा है। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु भक्ति है। गुरु के हर वचनों पे नुछावर होना, ये गुरु भक्ति है। जो उन्होंने बोल दिया आप समझ लीजिए, उसमें चाहे घर छूटे, चाहे परिवार छूटे, चाहे शरीर छूटे, उनके एक एक वचनों पे कुर्बान होना, ये गुरु भक्ति है। जिसको गुरु भक्ति आ गई ना, उसके वो कर्म के बंधन से जीते जी निकल जाता है, उस पर प्लैनेट्स और स्टार्स असर नहीं करते। उन्होंने बहुत एग्जाम्पल देखी। टाइम अगर पूरा हो भी गया ना, देखो गुरु कभी किसी का, बहुत सीक्रेट बातें बता रहा हूँ, किसी किसी का आयु नहीं बढ़ाते, किसी का चीज नहीं छोड़ते, जिसका जो कर्म है कर्म भी नहीं छेड़ते, उनके प्रेजेंस से ऑटोमेटिकली कर्म कट जाते हैं उनकी, वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट है, जिसे कहते हैं ना ऑटो इफेक्ट है, जो दर्शन और गुरु भक्ति, वो खुद जो है, जो गुरु भक्त होता है ना उसके तो, उसका तो अपने आप ऑटो मोड भी चेंज जाता है सब कुछ, वो बियॉन्ड टाइमलाइन चला जाता है। सी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज टाइमलाइन, अंडर द टाइमलाइन, गवर्न बाय द प्लैनेट्स। और जो गुरु भक्ति करता है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु भक्ति क्या, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तन मन धन हर तरह से, एक तरह से नहीं, तन मन धन तीनों तरीके से, अपनी 10 इंद्रियों से, अपने
पंच भौतिक शरीर से हर तरह से गुरु के एक एक वाक्य पे जो कुर्बान होता है, जो मर मिटने के लिए तैयार रहता है, उसी को गुरु भक्त बोलते हैं। देखिए हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप, हमारे सिखों में बहुत गुरु हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे गुरु हुए, सबको पता है। और उन्होंने अपने जो लोगों ने जिन जिन्होंने अपने गुरु के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया वो अमर हो गए, उनका नाम आज तक लोग लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने एक एक वचन पे पालन किया। हम क्या करते हैं? हम पालन दर्शन के लिए तो आतुर रहते हैं पर पालन में चूक जाते हैं। कहा है गुरु की अगाड़ी और गधे की पिछाड़ी से बच के रहना चाहिए, गुरु के आगे नहीं चलना चाहिए और गधे के पीछे नहीं चलना चाहिए। गुरु की अगाड़ी और गधे की पिछाड़े से बहुत बच के रहना चाहिए। तो गुरु जब चले तो उनको चलने दो आगे, और जब वो रहे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो यहाँ रहे, हम तो आग बार ये देख रहे थे और वो तो निकल गए। अरे उन्होंने सबको देख लिया, जो तीनों लोगों को, तीनों लोग छोड़ दीजिए, पता नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक टाइम में एक ही साथ देख रहे हैं, वो आपको क्या मिस करेंगे? अनंत कोटि ब्रह्मांडा स्वामी या अखिला कोटि ब्रह्मांडा स्वामी, ठीक है, जिसके जिन ब्रह्मांडों की काउंटिंग नहीं है, मतलब अनंत है, अखिलांड कोटि, ठीक है। तो ऐसे गुरु हैं आपके जो हर चीज को हर पल देख रहे हैं। तो आप सोचे हमें नहीं देखा, नहीं नहीं वो सब देखते हैं, आपको बस उनकी आज्ञा का पालन करना है। आपने एक सूत्र भी उनकी आज्ञा का अपना जीवन में उतार लिया ना, ग्रेस ऐसे बरसेगा जो सोच नहीं सकते आप। और मैंने देखा है लोगों को, मैं एज एस्ट्रोलॉजर पूरी दुनिया से इंटरेक्ट करता हूँ, यू नो इतने लोगों की बात सुनता हूँ और जहां जहां जरूरत होती है रिमाइंड कराता हूँ, और जब रिमाइंड करके लोग फॉलो करते हैं, लोग खुद आते हैं बताते हैं कि बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया, लाइक 360 डिग्री चेंज हो गया। सिर्फ एक सूत्र पकड़ना, एक भी सूत्र पकड़ लिया ना इतने सारे सूत्रों में, एक सूत्र से कल्याण हो जाता है, सोचिए। एक आज्ञा भी पकड़ ली ना जो आपको बॉदर कर रही है, अब गुरुदेव क्या बोलते हैं, सरेंडर करो, बी हैप्पी, साधना करो, एक भी पकड़ लिया और उसको पूरा 100% फॉलो किया ना, आप निकल जाओगे यहाँ के चक्कर से। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु भक्ति और दर्शन, इसको छोटा नहीं समझना है। गुरु दर्शन के इतने फायदे हैं कि ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, मैं तो क्या बताऊंगा, मेरे पास तो शब्द नहीं है, इतने फायदे हैं। ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं गुरु दर्शन के इतने फायदे। तो दर्शन मिस मत करिए कभी, ऑनलाइन दर्शन, ऑफलाइन दर्शन, कहीं टॉक होती है, कहीं कुछ होता है, ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, जरूर करिए, ठीक है। और गुरु भक्ति मैंने बताया, तो ये गुरु भक्ति के दो पार्ट है, गुरु कृपा पाने के पार्ट है, और क्या है दूसरा है, वो तो गुरुदेव बोलते ही हैं, गुरु बोलते हैं ध्यान, डीप लॉन्ग मेडिटेशन। ध्यान करोगे तो अपने आप कृपा बरसने लग जाए। गुरुदेव बोलते हैं ना, बी कंपैशनेट, बी काइंड एंड डू सम 10-15-20 मिनट्स रेगुलर मेडिटेशन। अपनी क्रिया साधना करिए, थोड़ा ध्यान करिए, आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाएगा, अपनी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ज्योतिष की तरफ देखते हैं। तो ये हमने सीखा गुरु दर्शन और गुरु भक्ति। अब अगर ज्योतिष में अगर हम देखें कि क्या चीज ऐसी है जो भक्ति के लिए जरूरी है, तो आपका बहुत दो तीन प्लैनेट्स हैं, वो अगर स्ट्रांग होते हैं तो आप में अनन्य भक्ति आ सकती है, वैसे वो भी कृपा से ही आती है, अनन्य भक्ति जिसे कहते हैं ना। तो क्या करना है, मांगना क्या है गुरु से, जब मिलो तो क्या मांगना है गुरु से? मांगना है अनन्य भक्ति, चिर काल तक, अनंत कोटि तक अनन्य भक्ति, ये मांगनी। जब आप मांगेंगे ना तो धीरे 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 कहीं ना कहीं आने लग जाए। देखिए हमें रुपया पैसा मकान गाड़ी ये सब तो ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा, मैं कहता हूँ ध्यान करोगे ना ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये सब ध्यान के बाय प्रोडक्ट है, ये मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आएगा। आप करना तो शुरू करिए रेगुलर।
मैं कहता हूँ किसी को पैसे कमाने हैं ना, थोड़ा तो ध्यान करना शुरू कर दे। और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, हजारों एग्जांपल्स देखे हैं, बता रहा हूँ। लोग ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कुछ युक्ति, कुछ भक्ति, कुछ शक्ति, सब मिला के ऐसा जो इच्छा की ना वो पूरी होने लग गई। तो हमें क्या करना है कि भाई जब भी मौका मिले, कोई ऐसा चूके नहीं कि कहीं पर ध्यान सत्संग हो रहा है उसको मिस करें। सत्संग का फल मालूम है आपको, 2 मिनट 5 मिनट सत्संग का फल जो है आपको, मतलब पॉसिबली कई जन्मों के कर्जों से मुक्त करा सकता है, इतना सत्संग का प्रभाव है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये सब लिखा हुआ है, बहुतों ने पढ़ा भी होगा, सत्संग का इतना प्रभाव होता है। तो गुरु सत्संग में रहिएगा तो गुरु कृपा बरसती है, ध्यान करिएगा तो गुरु कृपा बरसती है। अब डीप लॉन्ग मेडिटेशन क्या हुआ, हमारा एडवांस कोर्स, हमारा साइलेंस कोर्स रेगुलर करिए आप, देखिए। अब रेगुलर हमारा क्या होता है, एजी एक साल में एक बार किया, अच्छा कब किया था, लास्ट 6 महीने में किया, ये रेगुलर नहीं है। आज के टाइम में, ऑनलाइन के टाइम में, हर 2 महीने में करें आप, देखिए 6-8 महीने में आप देखिए आपकी लाइफ की जो है ना डिग्री पूरी ऐसी फास्ट ट्रैक में आ जाएगी जो आप सोचे नहीं होंगे। हमें तो बहुत सारे लोगों का अनुभव है, अपना तो है ही है, बहुत सारे लोगों का अनुभव है तो शेयर करते हैं वो। हर 2 महीने में करिए ना, देखिए कैसी फास्ट ट्रैक हो जाती है लाइफ। क्योंकि 4 दिन जब आप बैठते हैं तो ध्यान लंबा हो जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो और फिर धीरे धीरे आदत लग जाती है। तो ध्यान आप कभी भी किसी भी मुद्रा में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मुझे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना, हाँ आइडियली वो अच्छा है, बट सपोज कोई प्रॉब्लम है नहीं कर पाते तो आप ध्यान ही मिस कर दें, ऐसा नहीं। ध्यान आप किसी भी मुद्रा में कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी लेटे हैं, बैठे हैं, कहीं पर ही बैठे हैं, आंख बंद करिए, क्या पता चल रहा है किसको, आप आंख बंद करिए, ध्यान में चले जाइए। किसी भी अवस्था में, और जरूरी नहीं कि नहा धोके करिए, हाँ नहा धो करिए तो अच्छा है, पर भाई नहाए नहीं तो ध्यान भी नहीं किए वो सब कुछ फिर ऊपर चला गया, नहीं। अच्छा ठीक है, तो ध्यान करना जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था प्लैनेट्स की, कि प्लैनेट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या चीज देखना चाहिए जिससे पता चले कि गुरु भक्ति उस पर्सन के चार्ट में है कि नहीं, या वो गुरु भक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए कुछ चीजें हैं जो ब्लेसिंग ऑफ प्रेयर से मिलती, तो जब मिले मालिक से क्या प्रार्थना है कि भाई जो मेरी इच्छा है आप रखिए, आपको इच्छा नजर को जो मेरी इच्छा है, जैसे गुरुदेव बोलते ना ये दे दो, या तो इससे अच्छा कोई जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए, या तो ये, अगर ये ना हो सके तो इससे अच्छा कुछ आप दे दीजिए। भाई हमारी तो इच्छा होती है ना, हमें ये चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई मकान चाहिए, कुछ अच्छा, ये मेरी इच्छा है, बट इस ये या फिर इससे कोई अच्छा जो भी आपको चाहिए। और क्या मांगना चाहिए, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि, बुद्धि ठीक रहेगी ना तो सब ठीक रहेगा। तो सबसे पहले अनन्य भक्ति, दूसरा है सद्बुद्धि, और तीसरा है ज्ञान। ये 3 चीजें गुरु से मांगनी चाहिए जब आप दर्शन करते हैं, ये मेरा अनुभव है। देखिए छोटा सा जो सुना है लोगों से, सद्बुद्धि, अनन्य भक्ति, सबसे पहले अनन्य भक्ति, क्योंकि वो आ गई ना तो बाकी कुछ भी, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। भक्ति आ गई तो सब आ जाएगा। जितने भी लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़ी बड़ी रचनाएं की, वो कोई स्कूल में नहीं गए पढ़ने, सिर्फ भक्ति से सीखे। भक्ति कर गई अंदर, दिव्य चक्षु खुला, दिव्य मार्ग खुला, और सब डाउनलोड हो गया और सब लिखते चले गए। तो अनन्य भक्ति, सद्बुद्धि और ज्ञान, ये 3 चीज गुरु से मांगनी चाहिए जो कि ग्रेस को बढ़ाता है। अच्छा अब प्लैनेट में देखिए तो क्या होता है, 5th and 11th house, 5th house and 11th house इज डिवाइन कनेक्शन। 5 और 11, 5 क्या होता है, प्रेम, और 11वां गेम, ये फिजिकल प्रेम नहीं है, ये डिवाइन लव है। फिजिकल प्रेम अलग होता है,
जो लड़का लड़की के बीच में है या पति पत्नी के बीच में, वो एक अलग चीज है। तो फिफ्थ एंड इलेवेंथ इज या फाइव फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस किसका होता है? धर्म का होता है, रिलीजन का होता है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस इलेवेंथ हाउस ये ग्रेस जिसे कहते हैं ना, ये ग्रेस को बढ़ाता है आपके लाइफ में, धर्म और स्पिरिचुअलिटी बढ़ाता है। अब ये तो देखिए भाई, जो बचपन में आ गया, जो सितारा जिस टाइम पे आप पैदा हुए उस टाइम पे रचना हो गई हॉरोस्कोप की, उस टाइम में सितारों की पोजीशन थी, तो कुछ बाय डिफॉल्ट प्रारब्ध में मिल गया, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा था आपको, ये प्रारब्ध में जो होता है वो चाहे अच्छा हो बुरा हो आपको जाना ही, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है आप पर अगर नहीं है, पर आप चाहते हैं यार मुझे, मैं अपने गुरु के प्रति बहुत डिवोशन, मेरा गुरु से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन हो जाए, सब लोग चाहते हैं ना मेरा गुरु से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन रहे, कौन कौन चाहते हैं? एवरीबॉडी भाई हाथ उठा लो, मौका निकल जाएगा, हो सकता है कुछ ग्रांट मिल जाए, ठीक है। सब चाहते हैं गुरु से कनेक्शन, राइट, स्ट्रांग हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, सुपर स्ट्रांग हो जाए। तो गुरु से कनेक्शन स्ट्रांग कैसे होगा? जब आपने जो मैंने दो बातें बताई उसको फॉलो करेंगे, अपने आप स्ट्रांग हो जाए, उनकी बात को जो उन्होंने बोली है उसको पकड़ लीजिए और करते रहिए। डाउट हो संशय हो पूछ सकते, कोई ऐसी बात नहीं है अगर कहीं कोई डाउट, पर जो बोला है ना वो फॉलो करिए, जो आपकी लाइफ में जरूरी है वो ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, क्या क्या प्लैनेट्स होंगे जिससे और स्ट्रांग आपको पता चलेगा कि यू नो कृपा या भक्ति हो सकती है, या उसको बढ़ा सकते हैं, या उसको इसको और एनहेंस कर सकते हैं? तो दो तीन प्लैनेट्स वो बोलूंगा, ठीक है। देखिए एक तो हो गया जुपिटर, ठीक है। जुपिटर में यूजली जो है ना लोग गुरु के पास चले जाते हैं, जुपिटर की जब महादशा आई, अंतरदशा आई, कुछ भी आए, तो डिवाइन कई लोग टीचर बन जाते हैं, कई लोग क्लोज चले जाते हैं बहुत, उसमें अगर अच्छी एनर्जी अफ्लिक्टेड नहीं है, पॉजिटिव है यूजली वो, अगर थोड़ा बहुत अफ्लिक्टेड भी हो तब भी वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो जुपिटर जो है आपको गुरु के पास लाने में बड़ा स्ट्रांग सहयोग देता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, गुरु जी के पास हों, दूर हों, जब उनका टाइम आता है इस तरह का, तो वो गुरु के पास पहुंच जाते हैं या गुरु सेवा में ऐसे जुड़ जाते हैं और गुरु कृपा उन पे बरसने लग जाती है। तो एक प्लैनेट है जुपिटर। अब जुपिटर की चीजों को एनहांस करने के बहुत सारे तरीके हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले तो दर्शन ही है, दर्शन से ही जुपिटर आपका बढ़ता है, अच्छा हो जाता है। फिर दूसरा प्लैनेट आता है मंगल, हनुमान जी को देखा है ना, मंगल भक्ति स्ट्रेंथ। भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त को बहुत बलशाली होना चाहिए, फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वैलर होना चाहिए, मरा वरा सा भक्त नहीं चलेगा, समझ रहे मेरी बात? स्ट्रेंथ और वैलर होना चाहिए भक्त कि जो गुरु बोले उसको करने के लिए हमेशा तैयार है। तो मार्स अपना स्ट्रांग, मार्स कैसे स्ट्रांग होगा? देखिए जुपिटर स्ट्रांग होगा गुरु का दर्शन करने से, या गुरु पूजा चैंटिंग सुनने से, या गुरु पादुका स्तोत्रम सुनने से, या आप सुनेंगे तो आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। मार्स कैसे स्ट्रांग होगा? मंगल हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा सुनिए, पद्म साधना करिए। यू नो शनि का भी सबसे अच्छा इलाज पद्म साधना है। अगर कोई शनि से पीड़ित है या शनि जिसका नेगेटिव, वैसे शनि नेगेटिव नहीं होता, हर सारे प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, जो कोई प्लैनेट गड़बड़ नहीं, सब आपको अपना कर्म देने आए होते हैं, बस बस आपको समझना है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे को किस चीज़ को मेरे को कैसे हैंडल करना है। सारे प्लैनेट्स अच्छे, कोई प्लैनेट ना राहु केतु खराब है ना शनि खराब है, सारे प्लैनेट्स अच्छे। हम बोल देते हैं ये चल रहा है साढ़े साथी चल रही है तो ये गड़बड़ है, ये हो रहा है, साढ़े साथी तो बहुत अच्छी होती है, साढ़े साथी तो बहुत अच्छी होती है। आपको लाइफ का पर्सपेक्टिव, जब आदमी साढ़े साथी में निकल जाता है तो एकदम निखर, जैसे कहते हैं ना तब के सोना बन जाता है, वैसा हो जाता है। चाहे वो अच्छा हो तो बहुत अच्छा देता है, खराब भी हो तब भी उसको बहुत अच्छा बना देता है। तो मंगल, जुपिटर और मंगल। तीसरा मून, माइंड अगर कनेक्ट हो जाए ना, माइंड की बहुत कहानी है। देखिए आपसे सपोज करो आपसे नहीं उठा जाता, आपका कुछ प्रॉब्लम है या बीमारी है या शरीर नहीं साथ दे रहा,
साधना नहीं हो रही। साधना हम किसको बोलेंगे? साधना देखिए, सिर्फ साधना बहुत छोटा वर्ड नहीं है, सिर्फ क्रिया करना साधना नहीं, साधना बहुत बड़ा वर्ड है। आप 24 घंटे साधना कर सकते हैं चाहे तो। जानना चाहेंगे कैसे कर सकते हैं 24 घंटे? कौन कौन जानना चाहेगा? एवरीबॉडी 24 घंटे साधना कर सकते हैं आप, और उसी साधना से बंधन कटेंगे। ये आधे घंटे से बात नहीं बनने वाली, ठीक है? क्या सीक्रेट है? सीक्रेट ये है कि जिसको ध्यान करोगे उसके जैसे हो जाओगे, सब तुम्हारे अंदर आ जाएगा। देखिए हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 4% है, जो सब कॉन्शियस माइंड है वो 96% है। आपने देखा है जो छोटा बच्चा होता है, माँ कहीं भी हो उसका ध्यान किस पे रहता है? बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व किया है? मदर एंड तो क्या ही होगा, बच्चा क्या कर रहा है, छोटा बच्चा तो स्पेशली 24 घंटे। लेकिन वो नींद में भी ध्यान रहता है कि हाँ टटोल लेती है बगल में, हाँ ठीक से सो रहा है ना, पॉटी शुशु तो नहीं किया छोटा बच्चा। तो ऐसे ही अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा गुरु की, आप करते रहिए अपना काम, परिवार का काम है, घर का काम है, सब करते रहिए, पर जैसे माँ का ध्यान एक छोटे बच्चे शिशु पे लगा रहता है 24 घंटे, वैसा ही आपका ध्यान सब कॉन्शियसली गुरु पे लगा रहे तो समझ लो आप तर गए, आप निकल गए फिर इस चक्कर से। छोटा सा सीक्रेट है, सब कॉन्शियसली वो 24 घंटे वही होना चाहिए जैसे माँ का बच्चे पे ध्यान होता है। कुछ भी काम करते रहो, जो काम कर रहे हो वो भी परफेक्ट होगा, ऐसी बात नहीं है, पर पीछे काम क्या, माँ का काम बिगड़ता है, खाना बिगड़ता है, बच्चे का ध्यान रखती है तो नहीं बिगड़ता ना, माँ हर काम परफेक्ट में करती है। तो ऐसे ही भक्त जो होता है उसका सब कॉन्शियस माइंड 24 घंटे बस गुरु का ध्यान करता रहे, सोए तो गुरु, उठे तो गुरु, नहाए तो गुरु, सब कॉन्शियसली। और क्या चलता रहता है हमारे सब कॉन्शियस में? बॉस क्या बोला, पत्नी क्या बोली, पति क्या बोले, सास क्या बोली, सब्जी है, दाल है, ये चलता है नहीं चलता इसी से, मतलब दुनिया के काम में बताओ चलता है नहीं चलता? सबकॉन्शियस में तो यही चलता रहता है ना, पर चलना क्या है, होना क्या है? गुरु का ध्यान। सब काम करते रहिए जो भी है, उन सबको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, ना प्लान करने की जरूरत है, सब ऑटोमेटिकली होगा। ये समझ लीजिए एवरीथिंग इन द लाइफ इज हैपनिंग, आप कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लान्ड है सब कुछ आपके लिए। आप सोचो मैं प्लान कर रहा हूं तो मैं क्या बताऊं, आपकी सारी प्लानिंग तो मैं पत्री खोलूंगा सब बता दूंगा, पीछे की भी बता दूंगा आगे की भी बता दूंगा। तो प्लानिंग कुछ नहीं होती, एवरीथिंग इज हैपनिंग, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबकॉन्शियसली जब माइंड गुरु पे रहता है तो समझ लीजिए ऐसी बरसात होती है ग्रेस की, ऐसी चीजें होती है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए ना, आप तो अनंत कोटि ऊर्जा के सूत्र से कनेक्ट हो गए। जब कनेक्ट हो गए तो क्या इच्छा और क्या अनिच्छा, जो सोचोगे वो होने लग जाएगा लाइफ में। जो सोचोगे ये चाहिए वो चाहिए, मटेरियल चाहिए मटेरियल होगा, स्पिरिचुअल चाहिए स्पिरिचुअल होगा, करके देखिए ना, 6 महीना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 6 महीना साल भर करके देखिए, फिर बताइएगा हमें किसी टॉक में, करके देखिए मिलेगा जरूर, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको मिला नहीं। तो ध्यान जो है दुनिया से हटा के जब गुरु पे लगा देंगे ना तो सब काम अपने आप होने लग जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। गुरु की महिमा का जो है ना वर्णन जो है हम कर ही नहीं सकते, इतनी महिमा है ना। देखिए एक छोटा सा कबीर साहब का दोहा है, बताता हूं, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखाना चाहे। क्या मतलब हुआ इसका? भाई सब धरती को कागज बना दो, पूरी धरती को, जितनी भी धरती है, एक धरती नहीं है पता नहीं कितनी धरतियां हैं, सबको कागज बना दूं, और जितने भी वन हैं वृक्ष हैं सबकी लिखनी बना दूं, कलम बना दूं, एक कलम ऐसी बन जाए कागज पूरी धरती, और जितने भी वन हैं उसकी लिखनी बना दूं, पेड़ों से बनता है ना पेंसिल, और पूरे जितने समुद्र हैं उसकी स्याही बना दूं, और गुरु का गुण लिखना शुरू कर दूं तब भी खत्म नहीं होगा, इतना अनंत है, अनंत अनंत।
सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखाना चाहे। राइट, तो इसमें जाना है। और देखिए थॉट्स तो इधर उधर जाएंगे, पकड़ के लाइए उसको। थॉट्स तो हमेशा जाएंगे इधर उधर, उनका नेचर है, उनको रोकने की जरूरत नहीं है, वो जाने दीजिए। पर थॉट्स को ऐसा धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखिए क्या है लाइफ में, प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परफेक्ट। हम भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, प्रेडिक्शन परफेक्ट कैसे आती है? प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आईआईटी नीट में फर्स्ट रैंक कैसे लाते हैं? फर्स्ट रैंक वाले से पूछिए, वो एक क्वेश्चन कम से कम 1000 बार करता है, एक क्वेश्चन कम से कम 1000 बार करता है। कि उसको करना, सॉल्व करना नहीं होता, उसको टाइमिंग में करना होता है, तब वो जाके लाखों में निकल पाता है, लाखों में 10-15 हज़ार में आ पाता है। एक एग्जांपल दिया मैंने दुनिया से जोड़ के। ऐसे ही मन तो जाता रहेगा, मन को जाने दीजिए, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। बस मन को इतना सिखा दीजिए कि बेटा कहीं भी जा, तू घूम फिर के गुरु पे आ जा। तो मून जो है ना, मून बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मून है मन। तो मन के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, उसको स्ट्रांग बनाना है, तो ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जब करेंगे ना, तो बस समझ लीजिए कि मन अपने आप आपके अपने बस में आ जाएगा। तो क्या बोला? जुपिटर बोला, मार्स बोला, मून बोला, ठीक है। कितने प्लैनेट है हमारे? 9 प्लैनेट है। केतु है, शुक्र है, सूर्य है, मून है, मार्स है, ठीक है। मार्स के बाद आपका जुपिटर आ गया, जुपिटर के बाद आपका शनि आ गया, मरकरी आ गया, राहु केतु आ गए, इतने सारे प्लैनेट हैं। पर हर प्लैनेट आपको स्पिरिचुअलिटी की प्रेरणा दे सकता है, तो कोई अलग नहीं, मैं कुछ प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, पर हर प्लैनेट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल। जैसे केतु है, केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। केतु की दशा में जो है लोग स्पिरिचुअलिटी के परचम पे जाते हैं। कहा जाता है, हमने सुना है, मालिक से ही सुना है, केतु जो है वो धर्म की पताका है, ध्वज। तो केतु की जब महादशा या अंतरदशा आती है तो स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ होती है। ऐसे ही सारे प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं, जिस प्लैनेट में भी डिवाइन से कनेक्शन का है, 5th and 11th या 9th 11th या 5, 9, 11 है ये कनेक्शन है। तो जैसे लोग आते हैं हमारे पास चार्ट, तो पूछते हैं भाई गुरु से सानिध्य होगा नहीं होगा, तो हमें तो चार्ट खोल के मोस्ट ऑफ द टाइम पता लग जाता है कि भाई ये टीचर है, इसका कनेक्शन कैसा है। जब आपके, क्योंकि गुरु का कनेक्शन एक जन्म का नहीं है, बहुत जन्मों का है, आप समझ लीजिए। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस टाइम में आप गुरु के साथ हैं। कभी 100 साल आगे पीछे पैदा होते तो नहीं मिलता जो मिल रहा है, तो इसको लूज नहीं करना है। इसको लूज नहीं करना है, ये टाइम जो है बहुत ही प्रेशियस है। तो गुरु के साथ, गुरु की, और ऐसा नहीं कि सब लोग बैंगलोर जा पाए, जो नहीं जा पाए कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, भक्ति 24 घंटे होनी चाहिए, 24 घंटे सबकॉन्शियस माइंड में उनको ध्यान रखिए ना। आप कहीं पर भी हैं, आप उनसे कनेक्टेड हैं। दर्शन आप रोज ना अगर भाव से करिएगा फोटो पे, तो वो भी दर्शन है। बट क्या है, लाइव में कहूंगा आपको, लाइव करिए। आज तो यूट्यूब, आप तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, लाइव दर्शन करिएगा तो आप दिखेगा कितना कितना फायदा होगा, आप सोच नहीं सकते। तो ऐसे गुरु हमारे हैं जिनकी महिमा नहीं करी जा सकती। ये सीक्रेट सब लोग नहीं बताएंगे, लोग बताते हैं, बोलते हैं सब, बट आपको नहीं मालूम। वो तो कभी कोई से कंपेयर कर रहे हैं, कभी कोई से बोल रहे हैं कि ये उनका अवतार है, ये, अरे ये सब अवतारों से परे हैं, ये नहीं पता है किसी को। कोई बोलते हैं शिव के अवतार है, कोई बोलते हैं कृष्ण के अवतार, अरे ये बहुत परे हैं, बहुत आगे हैं। मैं कहता ना, हजारों सालों से इनका जैसा कोई आया नहीं, हजारों हजारों सालों से, और ना हजारों हजारों साल में आएगा। आप थोड़ी सी झलक से भी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। गुरुदेव को ऐसी 156 कंट्री हम ऑफिशियल बोलते हैं, कितनी सारी कंट्रीज में
गुरुदेव गए, कितने सारे भक्त हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है, छोटा सा एग्जांपल, क्या ऐसा कभी हुआ है किसी और संत के साथ? हाँ, कुछ ने इंडिया में नहीं, किसी ने इंडिया में किया, किसी ने साउथ में किया, किसी ने एक दो चार कंट्री में किया, 10 कंट्री में किया। और गुरुदेव का तो जो प्रभुत्व है, जो मैजिक है, वो दुनिया की सारे कंट्रीज जितनी है, 200-211 जितनी भी कंट्रीज है, सब में है। और मैं आपको अंदर का सीक्रेट और बता दूं, अभी तो दर्शन फिर भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप जाते हैं, कभी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लिया, ये किया वो किया, मिल जाते। आने वाले टाइम में तो बहुत दुर्लभ हो जाएगा, बहुत दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए ना, पूरी दुनिया कितनी पॉपुलेशन है जी, 7 बिलियन, राइट? कितना मेरे को नहीं पता, बताइए जितनी भी पॉपुलेशन है, 700 करोड़। हाँ, तो आप सोचिए कि उसमें अगर, मेरी प्रेडिक्शन है, आप देखिएगा ट्विटर पे, कि आप समझ लीजिए कि इतने लोग आएंगे आने वाले 10 साल में, 5 साल से, 24-25 से मैंने लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट किया, 24-25 से आगे 10 साल में इतने लोग आएंगे, इतने राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के इतने लोग आएंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा दर्शन पाना ही। अभी जो आर्ट ऑफ लिविंग है, अभी जितना भी आप बखेरा देख रहे हैं, जितना भी खेल देख रहे हैं, खेल ही कहूंगा, यहाँ आश्रम है, ये इतने लोग हैं, इतने नंबर हैं, सब खेल है, मालिक के लिए सब खेल है। ये जितना भी खेल है ना, ये पसारा जो है 30% है, अभी 70% होना है, 70% बाकी है, और ये आने वाले 10 साल में हो जाएगा, तो आपकी आंखों के सामने होगा, आपके जीते जी होगा। तो देखिए कितना दुर्लभ हो जाएगा मालिक से मिलना। तो जब मौका मिले कर लो, बाद में मिले ना, बाद में तो मन में ही करना पड़ेगा जी, ठीक है, क्योंकि लंबी लाइन इतनी होगी, इतनी वेटिंग हो सकती है। क्योंकि देखिए, हमें तो सानिध्य मिल गया, मैं 2001 से जुड़ा था, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 21 साल हो गए। तो हमें तो बहुत मालिक की कृपा से मिल गया, आगे भी मिलता रहे, ऐसी प्रार्थनाएं आप सबको मिलता रहे, हमारी तो ये प्रार्थना रहेगी। बट हमें मालूम है कि आगे बहुत लोग वेट कर रहे हैं, उनका पूरी दुनिया वेट कर रही है। तो इतना 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 ज्यादा फैल जाएगा आर्ट ऑफ लिविंग। आप सोचिए, कोई ऐसी दुनिया में सिटी नहीं होगी जहां आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे। कोई दुनिया में ऐसी सिटी नहीं होगी, अभी बहुत जगह नहीं है, पर आने वाले आप देख लीजिए, 5-7 साल में देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं बोल रहा, 2024 के बाद 25 से लेकर 35 में आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी सिटी नहीं बचेगी, कोई ऐसी दुनिया का राष्ट्र नहीं, राष्ट्रपति नहीं होगा जो मालिक से मिलने ना आए, मालिक के पास ना आए। हाँ बिल्कुल, सबको ब्लेसिंग्स तो हैं दर्शन की, पर मैंने कहा ना, उनसे कनेक्शन बनाने का सीक्रेट मैंने आपको शेयर कर दिया आज। सबकॉन्शियस माइंड में उनको हमेशा ध्यान रखो, सुबह उठो तो वो, रात को सो तो वो, 24 घंटे। हम गए थे, हमारी बिटिया जो है प्रिपेयर कर रही है नीट का, तो हम टीचर, बताऊं क्या बताते स्टूडेंट्स को, टीचर बताते हैं आपको कितने घंटे पढ़ना है, तो टीचर बोलते हैं 24 घंटे। तो ऐसी भक्त को कितनी देर भक्ति करनी है, 24 घंटे, इससे नीचे नहीं है। अगर आप अपने आप को डिवोटी कहते हैं, आप कहते हैं कि हम डिवोटी हैं गुरुदेव के, तो कितनी देर भक्ति करनी है, 24 घंटे। बट देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे गुरुदेव को देखते रहिए, तो वर्ड का अंदर गूढ़ अर्थ समझिए, अपने काम सारे करने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी करनी। हम एक रूम में बैठ जाएं, गुरुदेव को देखते रहे 24 घंटे, ना होना, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। आपने अपने दुनिया की, अपना हार्ड वर्क, अपना मेहनत, अपनी साधना सब करनी, बट सबकॉन्शियसली जब आप उनसे जुड़े रहेंगे ना, तो वो 24 घंटे का पैरामीटर आ जाएगा। रात को जब ध्यान करके सोएंगे उनको, तो 7 घंटे आप सो नहीं रहे, 7 घंटे आप उनके साथ। जब उनको ध्यान करिएगा, तो क्या सूत्र है, सूत्र क्या बोलता है, उनके जैसे हो जाइएगा। समझ में आ रहा है ये?
आश्रम में बुक कर दिया एडवांस कोर्स, हाँ आश्रम में बिल्कुल करिए, सब करिए। तो ऐसे ही गुरु का कृपा का यही तरीका है, गुरु कृपा का तरीका क्या है, गुरु भक्ति और गुरु का दर्शन। और अपने कुछ प्लैनेट्स को जब भी मिलो उनसे तो क्या मांगनी है, तीन चीजें, क्या बताया, तीन चीजें, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, जैसे हनुमान जी की भक्ति थी ना राम जी के लिए, वैसी भक्ति, चिर काल तक, अनंत कोटि तक, इस जन्म, अगले जन्म, अगले सौ जन्म, भक्ति। चिर काल तक अनंत भक्ति, अनन्य भक्ति, जब तक ये रचना है तब तक आपकी भक्ति चाहिए, इस जन्म की नहीं चाहिए, इस जन्म की तो चाहिए ही चाहिए, सिर्फ इस जन्म की नहीं चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ इस जन्म की नहीं चाहिए, अगले जन्मों जन्मों की आपकी भक्ति चाहिए। और सद्बुद्धि, मन भ्रमित ना हो, इधर उधर ना फंस जाए, जंजाल में ना फंस जाए, और ज्ञान। रात को सोते हुए ध्यान करके सो जाइए मालिक को, और क्या चाहिए। तो 7 घंटे गुरुदेव के साथ, लोग बोलते हैं हमको टाइम नहीं मिलता गुरुदेव के साथ, हमको अकेला चाहिए टाइम। अरे कितना अच्छा आपको सूत्र बता रहा हूं, 7 घंटे रोज बिताइए ना मालिक के साथ, कौन बताया, कौन मना किया आपको, 7 से 8 घंटे जितनी देर आप सोते हैं उनके साथ रहिए। सीक्रेट है, पर करिएगा ना तो मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, तो करना पड़ेगा आपको। कर लेंगे तो पा जाएंगे, समझ लीजिए, कर लेंगे तो पा जाएंगे। तो जरूर से इसको फॉलो करिए। देखिए मेरे पास बोलने के तो बहुत है, मैं तो घंटों बोल सकता हूँ, मैं सुबह 4 बजे तक 6 बजे तक बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना गुरुगुण लिखाना जाए, गुरुगुण गुरु के बारे कितना बोलेगा उतना कम है, ग्रंथ के ग्रंथ है। अभी तो मैंने बहुत ऊपर सरफेस लेवल पे आपको टच किया है, आगे और करते रहेंगे और सुनेंगे। अभी तो प्लैनेट्स का यू नो बहुत बेसिक टच किया है मैंने। वैरायटी इतना बहुत है भैया, जैसे हैप्पीनेस कोर्स में जो पहला इंट्रोडक्शन कोर्स होता है उसमें ही गुरुदेव सबसे बड़ा अपना बता देते हैं, वो पूरा कोर्स वैसा है। आपने भैया ये सेशन में हाईएस्ट टच कर दिया क्योंकि भैया बाकी सब जिसके सामने कुछ सवाल बचे ही नहीं सवाल तो वैसे बहुत थे लेकिन इसके आगे और कुछ दिखाई नहीं। बस बस इसी, बाकी सवाल तो देखो सवाल जवाब चलते रहेंगे, मैं तो एस्ट्रोलॉजी के बोलता रहता हूँ, और भी आप सुन लेंगे और भी हम सेशन करेंगे, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपसे सीक्रेट शेयर्स किए आज। आप करिएगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा, और जितने भी अटेंड करें दे आर फॉर्चुनेट, और जो भी सुनेंगे दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, इन इफ दे इम्प्लीमेंट दिस इन फाइन देन यू आर सुपर फॉर्चुनेट, सुपर सुपर। अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, आप देखिएगा कि आपको शिकायत ही नहीं रहेगी हम गुरु से दूर हैं, या गुरु के दर्शन नहीं मिल पाते हैं, या हम जा नहीं पाते हैं, या ये रीजन है वो रीजन। रोज मिलिए गुरु से, हर पल गुरु आपके साथ है, हर पल ही इज वॉचिंग यू एवरी मोमेंट, यू नो दैट। कोई और कर रहा हो नहीं कर रहा हो, गुरुदेव जरूर कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं सीक्रेट। एवरी मोमेंट, नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट यू आर अवे फ्रॉम हिज आईज। बट ये ना सब लोग नहीं समझ पाते हैं, पर आपको मैंने शेयर कर दिया। एवरी मोमेंट इज जस्ट फील दैट एनर्जी, यू विल फील दैट बबलिंग एनर्जी इन यू। जब सबकॉन्शियसली आप उसके साथ रहेंगे ना, आप उनके साथ उनका ध्यान रहेगा, तो एनर्जी अपने आप ही आएगी, अपने आप ही चेहरे पे स्माइल आती रहेगी, अपने आप ही आप खुश होते रहेंगे, कोई रीजन ही नहीं है खुश होने का, वही रीजन है और कुछ तो चाहिए नहीं, बाकी सब तो आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। When you yourself become source, तो आपके पास क्या कमी रहेगी, नहीं रहेगी ना भाई। जैसे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ,
बिफोर वी कंक्लूड कि भाई एक बार एक जो राजा थे वो राजा के मन में आया कि भाई मैं चला जाऊं, अब मेरा टाइम हो गया राज छोड़ के और मैं निकल जाऊं इस राज्य से, ठीक है, और भगवान की सेवा करूं, गुरु की सेवा करूं। तो निकल गए वो अपने राज्य से, निकल गए, भक्ति में शुरू से थे वो राजा जो थे, भक्ति में शुरू से थे। तो गए तो गए तो उन्होंने एक फकीर को देखा, तो फकीर को देखा तो बोला इनसे कुछ ज्ञान ले लिया जाए, पर उन्हें लगा कि भाई ये तो यहाँ बैठे हैं, राइट, इनको महल में ले जाऊं और जो है ना इनको सेवा पानी करूं और थोड़ा सा फिर इनको कुछ दक्षिणा दूं, कुछ गिफ्ट दूं और ऐसे करके ना थोड़ा सा करके सम्मान करके इनसे ज्ञान लूं, कुछ करूं, इनको दूं कुछ। फकीर भाई थोड़े से कपड़े अपड़े कुछ ऐसे थे ना, तो उनको लगा राजा को भाई इनको अच्छे कपड़े दे के अच्छा चीज करके। तो उन्होंने बोला, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे महल चलेंगे और वहां पर हर तरह की सुख सुविधा, आप वहां रहिए, प्रवचन करिए, सब करिए, ठीक है। मेरा भी मन था बाहर जाने को, पर आप मिल गए हैं तो आप ही चलिए, आप हमें सुनाते जाइएगा, हम करते रहेंगे, आपको फॉलो करते रहेंगे। तो फकीर उनकी तरफ देखे, बोले राजा मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज नहीं, आप चलिए, हमारे यहाँ सब कुछ, हर तरह की सुविधाएं, ठीक है। तो फकीर ने एक ना बोले, अच्छा मेरा एक काम कर दोगे तो मैं चल चलूंगा। तो उन्होंने क्या एक सुई ली, सुई दिखाई और नदी में फेंक दी और बोले कि जाओ ये सुई ढूंढ के लाओ। तो बोले अरे बाप रे, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल काम है। पर फिर भी उन्होंने सारी अपनी राज्य से बुलाए लोग, वो बड़ी बड़ी खूब सारे लोग, इनफैक्ट राजा की आधी सेना लग गई सुई ढूंढने में, नदी से सुई नहीं मिली। बोले महाराज ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सुई नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। बोले अच्छा, पक्की ने ऐसे आग बंद की, एक मछली सुई लेके आ गई ऊपर और उन्हें सुई लेके राजा को दिखा दी। तो जो सारी प्रकृति जो है जिसकी बात माने, उसको राजा क्या दे सकता है, राइट। तो जो गुरुभक्त होता है ना, वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो प्रकृति के साथ समन्वय हो जाता है उसका, तो उसकी कोई इच्छा ना बाकी नहीं रहती, आप समझ रहे ना। आप सबके अंदर वो भक्ति है, वो जो रूहानियत है, वो श्रद्धा है, वो डिवोशन है कि आप दुनिया में हर चीज मिल सकती है आपको, बट कनेक्शन सही जगह होना चाहिए। कनेक्शन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, कनेक्शन बनाइए रोजिना, रात को मालिक को ध्यान करके सोइए, 7 घंटे रहिए, देखिए कभी कहीं ले जाएं, हो सकता है कहीं टूर वूर पे ले जाएं, हैं कभी कुछ बताएं, कुछ करें, तो आप पे बड़ी कृपा है। और प्रैक्टिस करने से होगा, होगा जरूर, राइट। तो इतना बहुत है मेरे ख्याल से, और मैं बस एक दो दोहा बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि भाई गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीनों लोक भय नाही। जब गुरु की आगे में चलिएगा तो तीनों लोक में किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, गुरु की आज्ञा का इतना इतना पावर है। कहा गया ना, गुरु गोविंद दोनों लगे काक को लागू पाए, बलहारू गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो भगवान से भी ऊपर गुरु है। तो सबसे पहले जब सुबह उठिए तो गुरु को चरण स्पर्श करिए मनी मन, फिर अपने देवी जो भी डेटी हैं, जो भी देवी देवता है उनको चरण स्पर्श करिए, फिर अपने माँ बाप को, माँ बाप भी पहले गुरु। तो मनी मन सबसे उठ के पहले ये काम करना है, देखिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है नहीं होता। सुबह उठिए, जैसे उठे, और ये धीरे धीरे होगा, कभी भूल जाएंगे क्योंकि आदत नहीं है,
ऐसा हो सकता है, जिसको आदत है वो तो बहुत अच्छा है, सुबह सुबह उठ के गुरु का चरण स्पर्श, फिर भगवान का, फिर माता पिता का, फिर आगे बढ़िए, भूमि को प्रणाम करिए और आगे बढ़िए, अपना दिनचर्या करिए। रात को जब सोने जाए तो सोते वक्त मालिक को ध्यान करिए, ठीक है। तो आई थिंक अभी काफी है, क्या कहते हैं अभिषेक जी भैया? डेफिनेटली भैया, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर वो कर आपने सभी के जवाब दे दिए, लेकिन जो लोग हैं जो बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर हैं वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम 5 मिनट और 10 मिनट देख सकते हैं, कुछ लोग हाँ। अगर कुछ भाव है तो सवाल थोड़ा सा भैया वो एक समीर जी हैंड रेस के, वो मैं एक बार ऑप्शन देता हूँ समीर जी, एक क्वेश्चन देखिए। मेरा नंबर तो गूगल कर लीजिएगा, पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दें, आप गूगल करिए ना, फिर हमारा ट्विटर भी फॉलो कर पाएंगे, आप सब कर पाएंगे। पंडित जी एक सवाल जो मेरा है तब, और एक दिन मैं समीर जी को भी अनम्यूट कर देता हूँ, तब तक मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो हम लोग जब जैसे आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे थे, तो कई बार कुंडली नहीं मिलती है, और उसको कैसे आप हमें लेना चाहिए, जैसे कि नहीं कम गुण मिले ये हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूंगा कि देखो गुना जो होता है ना मैच मेकिंग, वो गुना से नहीं होता, पहली बात तो गुना शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। गुना की वैल्यू सिर्फ 5% होती है, 5 से 10। ये देखो मैं 10-15 साल से कहता था, लोग मानते नहीं थे, लोग बोलते थे नहीं गुण गुण, आज की डेट में सब एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं, क्योंकि 32 गुण वाले का भी डिवोर्स देखा है हमने, 28 गुण वाले का भी डिवोर्स देखा है, और 12 गुण वाले की भी शादी चलते हुए देखी। तो देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो मैं करता हूँ ना, दिस इज ए वेरी डीप, हमने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा इधर। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट्स मच मच बियॉन्ड एनी अदर काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखिए इसमें प्रेडिक्शन जो है ना, ये समझ लीजिए 90% से नीचे नहीं होती, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं उसमें प्रेडिक्शन 60%, 65% से ऊपर नहीं होती। ये देखो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, मेरे वर्ड्स नहीं, मैंने एस्ट्रोलॉजर्स से सुना, जितने भी कलीग्स हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बच डीपर, इट्स बेस्ड ऑन द नक्षत्र, इट्स बेस्ड ऑन द लॉर्ड्स, इट्स बेस्ड ऑन द टोटल एनर्जी। एक होती है पत्तों वाली नाड़ी, ठीक है, जो अगस्त नाड़ी बोलते हैं, पर वो क्या पास का ज्यादा अच्छा बता देती है, फ्यूचर में थोड़ा सा बहुत वैसे रहता है, हमने जो सुना है, जो अनुभव हुआ है, बट वो भी ठीक है। पास्ट का किसी को अगर कुछ जानना है, किसी को नहीं पता कुछ कुछ, ये जो है नाड़ी नक्षत्र बोले, ये फ्यूचर बहुत एक्यूरेट डिपेंड करती है, कब जॉब है, कब शादी है, कब क्या है, कब क्या चीज है। और जहां तक मैच मेकिंग का सवाल है ना, हम लोग देखते हैं व्हाट इज द एनर्जी, स्पाउस एनर्जी एक होती है, एक होती है सेपरेशन एनर्जी। स्पाउस एनर्जी मतलब इन दोनों का बॉन्डिंग, फिजिकल इमोशनल हर तरह का बॉन्डिंग कैसा रहेगा, एक दूसरे की इज्जत कैसे कर पाएंगे, इज दूसरे का रिस्पेक्ट, इज दूसरे का म्यूचुअल, तो वो सारी चीजें प्लस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द यू नो फिजिकल मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन, वो देख के लड़का लड़की देख के तब मैच मेकिंग करती। तो गुना के बेस में आप जय गए किसी साइड पे और गुना के बेस में मैच मेकिंग कर लिया, वो सही नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है, तो वो नहीं करना है। यस भाई, डेफिनेटली एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है और फिर जाके ना मैच मेकिंग कराना है, इट्स नॉट अबाउट गुना। और ये मांगलिक दोष जो होता है, कई बार जी मंगल की शादी मांगलिक है तो मांगलिक, वो सब बहुत गलत चीजें हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए। वो सब आप ना एस्ट्रोलॉजर अपने मन से कि अरे मैं तो मांगलिक हूँ, मांगलिक से ही शादी, आपने 50% तो ऑलरेडी हटा दिए चॉइसेस, तो ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सारे मिथ हैं जो कि बहुत लॉजिकल नहीं है, बहुत अब ठीक है प्रैक्टिस हो रहा है, लोग कर रहे हैं, तो हम क्या बोलें, अब जो कर रहे हैं कर रहे हैं। बट अब मैं आपको ये बोलूंगा कि जब आपको कोई ऐसी चीजें हो लाइफ में ना, तो आप जरूर से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और चीजें मैच मेकिंग कराएं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट भी, हमारे पास बहुत कॉन्फ्लिक्ट केस आते हैं, डिवोर्स के ये है वो है, तो भाई कई बार लाइफ में बच्चा नहीं चल रहा होता है, या फिर कुछ उपाय करने से लोगों की लाइफ डाइवोर्स ये सब बच्चे हो जाते हैं, फिर कमिटमेंट हो जाती है, बहुत सारी चीजें आती है, तो बच सकती है, कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकते। मैंने कहा ना 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 तीन तरह की एनर्जीज होती है, शॉर्ट में समझा देता हूँ। 6 होता है डिजीज, डेट और लिटिगेशन,
और सिक्स होता है सेवा भी, तो सेवा करेंगे तो डिजीज, डेट और लिटिगेशन से बचे रहेंगे। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस होता है ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, मिसफॉर्चून, और एट्थ हाउस होता है पद्म साधना। राया लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल है, बहुत इंसल्ट है, बहुत मिसफॉर्चून है, पद्म साधना शुरू कर दो। देखो मैं बोलता हूँ, या तो योगा मैट पर ऑब्स्टिकल झेल लो या अपनी लाइफ में झेल लो, ठीक है, तो योगा मैट पे झेल लो। थर्ड है ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस इज आश्रम, ट्वेल्थ हाउस इज लॉसेज, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ मनी, फॉरन, यू नो, तो जहां भी हमें लगता है कि कोई बंदे का हॉस्पिटल विजिट जा रहा हो रहा है, लॉसेज ज्यादा है, हम तो बोल देते हैं या तो एडवांस कोर्स में चले जाओ या आश्रम चले जाओ। हमने कितने सारे लोगों को जो जेल जाने वाले हैं या फिर जो बीमार होने वाले हैं, सीरियस कुछ होने वाला है, उन सबको आश्रम भेजा और वो बिल्कुल ठीक है। कहीं गलती से कई बार हो जाता है, कुछ लोग कई गलत केस में फंस गए, कुछ है, बच जाते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कृपा ऐसी हो जाती है, तो आश्रम की एनर्जी अलग होती है। तो और ट्वेल्थ हाउस साइलेंस कोर्स भी होता है, तो इम्पॉसिबल केसेस देखे मैंने होते हुए साइलेंस कोर्स करके, लॉस लाइफ में ना लॉस की एनर्जी कम हो जाती है। तो 6, 8, 12 ये फाउंडेशन बना लीजिए, गुरुदेव ने ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, बट क्या हम लोग को समझ में नहीं आता। 6, 8 and 12 डिजीज, डेट और लिटिगेशन, इसका सोल्यूशन है सेवा। ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, इसका सोल्यूशन है पद्म साधना, प्राणायाम, ध्यान। और ट्वेल्थ हाउस लॉसेज है किसी तरह के लाइफ में, तो क्या करना है, एडवांस कोर्स ये करिए, देखिए लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री चेंज होती नहीं होती, मेरे को बताइएगा। और बाकी जरूरत है तो आप डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं, गाइड पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। yes. ये बात जी जी, और कोई क्वेश्चन किसी का, लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे अभी समीर जी। जय गुरुदेव भैया, बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आपका आज का ये सेशन और ये सत्संग, इतना डिवाइन हो चुका है, आपने जितने सारे सीक्रेट रिवील कर दिए। मैं सिर्फ जो भी अभी हम जितने भी सारे लोग जो अभी सत्संग हम अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपको अभी इस वक्त 100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं और आगे भी अभी जो देखेंगे आपको, तो मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भैया के बारे में बोलना चाहता हूँ कि 2020 के कठिन वक्त जब शुरू हुआ था और बिजनेस में काफी मेरे को लॉसेस होने शुरू हो गए थे, तो मैंने भैया का, पता नहीं गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि भैया का वीडीएस का महोत्सव था और उस वक्त भैया का प्रोफाइल मेरे सामने आया, तो भैया को मैंने कंसल्ट किया और जैसे भैया ने बोला कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये ऑलमोस्ट 98% एक्यूरेट होती है, तो ये बिल्कुल सटीक बैठा मेरे केस में। मतलब भैया ने जो प्रेडिक्शन मेरे बारे में करी वो इतनी परफेक्ट थी कि आज तक जितने भी 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स जिनको मैंने कंसल्ट किया उस जैसा तो कुछ भी नहीं था। मतलब भैया ने बिल्कुल 5 मिनट के अंदर मेरी पूरी की पूरी लाइफ मेरे सामने खोल के रख दी। और मजे की बात यह थी कि मैं सिर्फ फोन पे भैया से बात कर रहा था, ऐसे भी नहीं था कि मैं कुंडली लेके सामने बैठा हुआ हूँ भैया के, और इतना परफेक्ट उन्होंने मेरे मेरे पास्ट के बारे में बताया, मेरे प्रेजेंट के बारे में बताया और जो कुछ आगे पॉसिबिलिटीज उन्हें लग रही थी वो सारी उन्होंने मेरे को बताई। तो मैं सबसे आज यही कहना चाहूंगा कि भैया को कंसल्ट करिए, भैया से गाइडेंस लीजिए, आपके जीवन में कुछ भी अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका सबसे बड़ा एक फायदा हम डिवोटीज को ये है कि भैया खुद टीचर है और भैया उस एंगल से बताते कि जो हमारी ऑलरेडी साधना में जो चीजें है ना उससे रिलेटेड बताते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि भैया आपको कोई बहुत बड़े बड़े उपाय करने, तो भैया आपको आपके कस्टमाइज कुछ सोल्यूशन देंगे, तो मुझे तो इसका काफी जबरदस्त फायदा हुआ है, तो डेफिनेटली सब लोग इसका फायदा उठाए, भैया आपको कंसल्ट करें पर्सनली। यस यस, कहना चाहूंगा। वंडरफुल वंडरफुल, भैया इतना अच्छा लगा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, आपका ये सेशन आपने जस्ट शुरुआत ही इतने अपने ब्रह्म जो ब्रह्म ज्ञान था वो खोल के रखा हमारे सामने, कईयों को समझ में आया होगा। एंड भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सारे जन नंबर मांग रहे हैं, भैया एक बार गूगल में से नंबर ले लीजिएगा आप सर। आप मेरे ट्विटर पे जाइए, नंबर लीजिए, क्योंकि ट्विटर पे फॉलो भी कर पाएंगे आप। एस्ट्रो है उस पे जाइए, फॉलो करिए, मैं बेसिक कोर्स भी पढ़ाता हूँ, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, कंसल्ट भी करता हूँ, वीडियोस में भी कंसल्ट करता हूँ, अपना पर्सनली भी कंसल्ट करता हूँ। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कंसल्ट करने की। तो जैसे आपको रीच आउट करना है, मेरी तरफ से कोई ये नहीं है कि आप यहाँ से आइए वहां से आइए, जैसे आपको रीच आउट करना है वैसे रीच आउट करना। ट्विटर हैंडल भैया का मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के, हाँ यूट्यूब में मिल जाएगा, यूट्यूब का लिंक, ट्विटर का लिंक डाल सकते हैं मेरे ख्याल से, यूट्यूब का लिंक मैं डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ट्विटर का डाल दीजिए लिंक। अभी गुरु पूर्णिमा भी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, हम ऑटो लिविंग की तरफ से,
तो उसमें आप आइए, आप कैसे भी रीच आउट करिए। बस ये है कि मेरा, देखिए ये बहुत अच्छी टॉक रंजन जी और अभिषेक जी और समीर जी ने कराई, तो देखिए इम्पॉर्टेंट है कि आप गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलें। हम सबका पर्पज यही है। तो मैं अभी तो, मैं तो गुड़गांव बेस्ड हूँ, पर मैं आधे टाइम यहाँ रहता हूँ, आधे टाइम आश्रम रहता हूँ। जब मालिक रहते तो मालिक के पास, और नहीं तो गुड़गांव। बाकी सब चीजें जो हैं आप फोन पे, ट्विटर पे आप पूछ सकते हैं। भैया कोई नंबर आप बता सकते हैं अभी इस वक्त जुबानी? तो मतलब यूट्यूब पे भी अगर कोई आगे आपको देखेंगे तो कंसल्ट कर सकते हैं। बोलिए संजीव अंडरस्कोर एस्ट्रो हैंडल है मेरा ट्विटर पे, क्योंकि बहुत लोग ना ट्विटर रहता ही नहीं है। मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ जाते हुए। देखो कितने लोगों के पास ट्विटर है, पहले ये बताओ कितने लोगों ने ट्विटर इंस्टॉल किया। देखो नहीं है ना, इसलिए मैं अपना नंबर नहीं दे। पहली बात आपको क्या करनी है, ट्विटर अपने फोन पे इंस्टॉल करना है। व्हाट्सएप है ना, सबके यहाँ व्हाट्सएप होगा, अरे तो ट्विटर क्यों नहीं है? ट्विटर इंस्टॉल करिए और @श्री श्री गुरुदेव को सबसे पहले फॉलो करिए, ठीक है? एक सीक्रेट बताऊं, जानना चाहेंगे? एक ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं ही बताऊंगा। बहुत सारे सीक्रेट है जो मैं ही बताता, ठीक है? एक लाइक करिएगा, एक कर्मा कटेगा। एक रिट्वीट करिएगा, दो कर्मा कटेगा। अब आप करते रहिए, ठीक है? किसका? मेरा नहीं, मालिक का, ठीक है? तो गुरुदेव का ट्वीट पे जाइए, फॉलो करिए, लाइक करिए, रिट्वीट करिए। इतनी सारे ज्ञान की बातें हमारे पास मिलती हैं, उसमें से कोई भी एक फॉलो कर लीजिएगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, जब उनका फॉलो करें, मन करे, अपना मन करे तो मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, पर उनको जरूर फॉलो करिए। समझ रहे मेरी बात? उनको फॉलो करने में कल्याण है। मेरा तो नंबर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, गूगल करेंगे पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव तो भी मिल जाएगा, ट्विटर पर जाएंगे तो भी मिल जाएगा, मेरा नंबर पब्लिक है। बट आप जाइए, मैं यहाँ नहीं दूंगा आपको नंबर, आप वहां जाइए, करिए, गूगल करिए, थोड़ी मेहनत करिए, मिल जाएगा नंबर, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? मेरा मेन पर्पज है कि आप ट्विटर इंस्टॉल करें और मालिक को फॉलो करें, ठीक है? बहुत बढ़िया रहा भैया, मैं सभी से कहूंगा शेयर भी कीजिए इस सेशन को, ताकि सब लोगों को ये सीक्रेट्स मालूम पड़ पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, सबको अनम्यूट करके बोल सकते हैं सब लोग। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी नाइस, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू।